दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय महतारी ब्यूटी शॉप। नगर पंचायत ज्वाली में पूर्व सांसद चौधरी चंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना का शुभारंभ किया। यहां 15 लोगों को जॉब कार्ड भी वितरित किए गए। वहीं चौधरी चंद्र कुमार ने कहा, नगर पंचायत ज्वाली में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना मौजूद है, जिसका शुभारंभ शनिवार को कर दिया गया है और लोगों को इस योजना का पूरा लाभ लेना चाहिए। तो मैं तो तय दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जो हमारे साथ जो हमारे विधानसभा के क्षेत्र से जो हमारे पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी आए हैं, मैं उनका भी हाथ जोड़ के यहाँ पे आने का धन्यवाद करता हूँ नगर पंचायत में। तो आज ये हमारा जो यहाँ पे आज एकजुट होने का ये था कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी टाइम से ये लगी हुई थी कि ये यहाँ पे अपनी जो बनी है हमारी नगर पंचायत, इसमें हाउस टैक्स है, इसमें नरेगा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो कुछ किया नहीं अपने 5 साल में कार्यकाल में, बल्कि जब से बने हैं। तो जैसे ये जहाँ जो हमारा जी जहाँ पे अब जॉब कार्ड बनवा रहे हैं हमने, जैसे ये चलाई है आजीविका योजना, ये शहरी आजीविका योजना, ये नगर पंचायत जो देन है, जो नीरज भारती और हमारे जो चंद्र कुमार की देन है, जो आज यहाँ पे हम एकजुट होकर यहाँ पे बैठे हैं जी, अगर ये योजना हमने चला रहे आज, तो ये सारी जो हिसाब की और नीरज भारती की देन है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई काम वूम नहीं होता तो ऐसी अफवाह मत फैलाया करो, लोगों को गुमराह मत कराओ। अभी 103 मकान नगर पंचायत नहीं होते तो शायद वो 103 मकान ज्वाली जनता को नहीं मिलते। 500 मकान हो चुके हैं अभी नगर पंचायत में, वो जो हिसाब और नीरज भारती की देन है। जो पंचायत जो नगर पंचायत जो हमारी डन निकाल दी गई है, कैरी निकाल दी गई है, वो लोग बेचारे गुमराह हो रहे हैं। अभी हमारे पास आ रहे हैं कि प्रधान जी हमारे मकान बना दो, हमारे टॉयलेट के पैसे कर दो। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो हमारे जो एमएलए उन्होंने आते ही पहले जो कांग्रेस पार्टी जो काम करती है उसको वो बनाने में क्या उसको तोड़ने में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने नगर पंचायत को नगर पंचायत से नगर परिषद बननी है तो वो उसको तोड़ रहे हैं, वार्डों को तोड़ रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, यहाँ पे हाउस टैक्स लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डेवलपमेंट का वो है अपने नगर पंचायत, इसमें कम से कम भी आगे से आगे जो चल रहा है। और सबसे बड़ी बात की ये जो उन्होंने बना रखा था कि पंचायतों में चली है अपनी नरेगा चली हुई है, इसमें नहीं चलना कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तो 300 रुपये दिहाड़ी भी है। आज हमारे भाई बहन आए हुए हैं जिनके हमने जॉब कार्ड बनाए हैं, आज इनको जो जॉब कार्ड देंगे ये अपने काम पर लगेंगे जी। तो ये 120 दिन का रोजगार दे रहे हैं नगर पंचायत। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सब कांग्रेस की देन है जी। आज जो नगर पंचायत है यहाँ बूंदी के ऊपर जा रही है, ये चौधरी साहब और नीरज भारती की देन है जिन्होंने नगर पंचायत का दर्जा दिलाया है। धन्यवाद। पूरी तरह से हमारी नगर पंचायत बहुत अच्छी है और हमारे चेयरमैन राजू जी, वाइस चेयरमैन कन्हैया जी, हमारी पूर्व अध्यक्ष जी, जितने हमारे प्रति सीमा जी सब प्रतिष्ठित जी, सब प्रतिष्ठित जो हमारे काउंसलर हैं, आज इस कार्यक्रम का जो है वो शुभ आरम्भ, आज हम जो है वो हमारे चेयरमैन जो है वो स्टॉल देंगे नगर निगम जो नगर पंचायत के जो हमारे गरीब लोग हैं, और हमारी कोशिश है कि एक एक स्टॉल हम हर एक वार्ड में शुरू करें। और आपको हैरानी होगी, जहाँ मनरेगा के लिए जो है वो गाँवों में जो है वो 185 रुपये जो है वो मिलती है, लेकिन नगर निगम में जो 300 रुपया, और जहाँ मैं 300 रुपया देते हैं हम एक मजदूर को जो काम करने वाला है मनरेगा में, उसको दिया वो 300 रुपया, तो हम क्यों इनको वंचित करें। काफ़ी हमारे जो है वो उस बीच में एक दो काउंसलर है जो गड़बड़ी करते हैं, वो भी चाहते होंगे इस प्रोग्राम को और हम कटल करें। तो भारतीय जनता पार्टी की तो वो हालत है कि
इस चमन को बर्बाद करने के लिए एक ही उल्लू काफ़ी है। पता है कि हर शाख में उल्लू बैठा तो अहले चमन का क्या हो। तो जब जहां पर पिछला चुनाव हुआ तो मैंने इनको कहा था कि इस सारे कार्यक्रम में एक ही उल्लू काफ़ी है, और हर शाख में उल्लू बैठा तो अहले चमन का क्या हो। तो ये चमन था हमारा पूरे का पूरा जो है वो कंस्टिट्यूंसी हमारी नगर पंचायत, लेकिन आपको पता है कि किस तरह से एक एक उल्लू ने इनको बर्बाद करने की कोशिश की। तो मैं अभी हम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अब ये कार्यक्रम बड़े सुचारू रूप से चलेगा। हमारे पास बहुत पैसा पड़ा है, साढ़े 65 करोड़ रुपया 60 लाख रुपया हमारे पास स्टेडियम का पड़ा हुआ, जिसको आज तक स्टेडियम का काम नहीं शुरू कर सके। 30-35 लाख रुपया हमारा जो है वो सीवरेज का पड़ा हुआ, सीवरेज का काम शुरू नहीं कर सके। हमारे पास जो है वो स्ट्रीट लाइट्स के पैसे पड़े हैं, हमारे पास जो है वो अपने रेन शेल्टर्स के पैसे पड़े हुए हैं, और इतना फंड हमारे पास नगर पंचायत का पहले पड़ा हुआ है और भी पैसा आ रहा है, तो इसको सुचारू रूप से जो है वो हमें खर्च करना चाहिए, खर्च करने की कोशिश। हम बार बार कहते थे कि गरीब लोग बहुत है नगर पंचायतों में, वार्डों में, कम से कम आप उनकी रोटी रोजी का प्रावधान करके ये जो है मनरेगा का कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, इसका काम जो है वो नगर पंचायतों में और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में भी शुरू किया है। हमारे पास काफ़ी इस वक्त पैसा था, खुशबली बैठी है हमारी टीम में, लेकिन हमारे लोगों ने मस्टॉल रहने से आना कानी कर दिया। और पिछला जब चुनाव हुआ तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे समक्ष रखा गया, और हर नगर पंचायत के हर वार्ड में जहाँ भी जाते थे गरीब हुआ कर जाती थी कि ये नगर पंचायत बनने से हमारी रोटी रोजी बन गई है। हमारे से तो अच्छा था पंचायत होती, और पंचायतों से कम हमें रोज़ काम करने को मस्टॉल इशू होते थे और गरीब आदमी की रोटी रोजी उससे चलती थी। और इसका डट करके विरोध किया गया, बीच में हमारे भी लोग थे जो पहले हमारे साथ थे, उन्होंने भी यही कहा कि ये जानबूझ के ये प्रक्रिया उन्होंने बंद कर दी है। जब ये नगर पंचायत हमारी अभी नई बनी है, और आपको हैरानी होगी, लोग नगर पंचायत, जिला परिषद, नगर निगम में घर घर जाकर के लोगों को वोट मांगने के लिए, काउंसलर के प्रचार के लिए बड़े बड़े लीडर निकलते हैं, लेकिन मैं कभी भी किसी भी नगर पंचायत के किसी वार्ड में वोट मांग लेने। और लोगों ने जो अपना फैसला दिया, उन्होंने बहुमत जो है वो कांग्रेस पार्टी को दिया, ये सबसे बड़ी बात है। कई जगह के ऊपर नगर पंचायतें बन नहीं सकी, हमारी पंचायत में देख लो, नूरपुर में नहीं बन सकी, इस तरह से देहरा में नहीं बन सकी, और भी कई ऐसे इलाके थे जहाँ वो नहीं बना सके, लेकिन मैं यहाँ के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का जन्मदिन भी है, और जो राहुल गांधी जी ने पार्टी हाईकमांड से जो आदेश दिया है कि मेरा जो जन्मदिन है इसको शांति के साथ उस जगह के ऊपर मनाना है जहाँ कोरोना से संक्रमित किसी घर के किसी महिला या किसी नौजवान की या किसी बुजुर्ग की मौत हो गई, आपने उनके पास जाना है, संवेदना व्यक्त करनी है। और जो कार्यक्रम इस कोरोना को उन्मूलन करने के लिए जो सैनिटाइजर हैं और फेस लगाते हैं और कुछ ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजेटर्स वगैरह का प्राप्त, और ये भी आदेश दिया है कि किसी भी मेरे प्रोग्राम में कोई बैन नहीं लगेगा, कोई अभी अभी हमने भी प्रोग्राम बनाया था कि हम हॉस्पिटल में जाके जो हमारे पेशेंट हैं उनसे मिलेंगे, और लेकिन पार्टी की इंजेक्शन लोग
मद्देनजर रखते हुए हमने दो प्रोग्राम कैसे कर दिया। अब पंचायत वाइज ग्वाली है और दूसरे दिन मैं कल लगभग ग्राम पंचायत लाड़ और नगाना कल मैं कोई 12 जनों को और धर्म पंचायत के कुछ गाँवों में गया हूँ जहाँ काफ़ी पीछे जो है वो इस एपिडेमिक की वजह से कोरोना की वजह से नौजवान और कुछ बेचारे घर का एक तो एक ही नगाड़ा में तो एक नौजवान था एक परिवार का एक ही लड़का हो जाए जो है कोरोना की वजह से वो उसका भी हल तो ये कार्यक्रम इसलिए हमने रखा है। आज का कार्यक्रम में ये हमारे चेयरमैन हैं श्री राजीव जी पठानिया जी जितने हमारे काउंसलर्स हैं इन्होंने ये प्रोग्राम रखा है कि जो मनरेगा का कार्यक्रम है लक्ष्य योजना का कार्यक्रम वो हम जो है वो नगर पंचायत से भी शुरू करने वाले हैं। बहुत सी ये भ्रमिक प्रचार पिछले मरतबा हुआ क्योंकि पिछली जो हमारी नगर पंचायत के जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन बहुत बड़ी ईमानदारी निष्ठा से काम कर रहे थे लेकिन बीच दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ज्वाली से संजीव राणा की रिपोर्ट। Oh, 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 oh